हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल बॉय गेमिंग। तो गाइस सर, आज मैं खेल रहा हूँ मतलब इस सर्वर पे, इसका नाम है गार्ड 025 प्रोटेक्टेड मोड का है, BRMX का। लेकिन मैंने ये सर्वर खेलना लीव कर दिया, वो आपको लास्ट में उसका रीज़न पता चल जाएगा क्यों हमने लीव किया है। तो यहाँ हमने ये बेस बनाया था, यहाँ पर यला बेस देख सकते हैं। यला बेस मैंने नहीं बनाया था, यहाँ पर सुमित ने बनाया था। तो वो बना के यहाँ पर ऑफलाइन हुआ था, तो मैंने रिकॉर्डिंग की थी बेस बनाते वक्त पूरी अच्छे से। लेकिन क्या हुआ कि मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर क्रैश कर गया, तो पूरी मतलब पूरी जो रिकॉर्डिंग थी 35 to 40 मिनट्स की थी, शायद ज़्यादा ही थी, 35 मिनट्स मान लीजिए आप लोग, 40 मिनट्स की थी। तो वो पूरी सेव ही नहीं हुई रिकॉर्डिंग, मैंने चेक किया तो सेव नहीं हुई रिकॉर्डिंग, तो मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा। तो यहाँ पर हमारे साथ खेल रहे हैं Nexus YT, इनका चैनल का नाम है 1ClueGaming, जिन कुछ लोग को पता होगा अगर देखा होगा तो। ये आर्ट सर्वाइवल गेम प्ले की वीडियो डालते हैं ज़्यादातर, और लास्ट रूल्स की भी कुछ वीडियो डाली है, लास्ट एडिशन ऑफ सर्वाइवल अननोन 15 डेज की भी। तो इनका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा, और होगा तो मैं इनका चैनल एक बार कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर कर दूंगा। तो आप लोग ज़रूर इनके चैनल को जाके चेक करिएगा, अगर अच्छा लगेगा तो इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। सो गाइस, आगे वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को दोबारा ऑल पर सेलेक्ट करिए। थैंक यू। तो गाइस यहाँ पर हमने बेस बना लिया, लेकिन अभी तक हमने फर्नेस नहीं प्लेस किए हैं, तो हमें अभी यहाँ पे फर्नेस प्लेस करने हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग जाएंगे एक गैस स्टेशन, यानी मैं यहाँ पर जाने वाला था गैस स्टेशन, जाके वहाँ पर मैं कुछ फ्यूल लाऊंगा, तो फिर उसके बाद फर्नेस प्लेस करेंगे हम अभी इस वीडियो में। तो आप लोग बेस देख सकते हैं, पूरा यहाँ पर ऐसे डोर्स ही डोर्स हैं, आप लोग देख सकते हैं पूरा बेस, काफ़ी अच्छा बेस बनाया है, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है बेस का। मैं भी सोच रहा हूँ अभी इसी बेस का डिज़ाइन बनाऊंगा आगे चल के वीडियो में, अगर कोई भी वीडियो देखेंगे आप तो। यहाँ देख सकते हैं खाली डूर्स हैं, यहाँ पर एक लाइन से यहाँ पर मैंने कुछ स्लीपिंग रखे हैं, एक मेरे है और जो यहाँ पर एक वर्क ब्रेंच है। और आप लोग को कैबिनेट नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग, ये बंकर बेस है तो बंकर रूम के अंदर है कैबिनेट, तो वहाँ पूरा डूर है। यहाँ पर ऊपर भी जाने का है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ऊपर जाने का, तो ऊपर भी ज़्यादा कुछ है नहीं, तो ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ सीधा टॉप फ्लोर पे एकदम वहाँ पर एक वॉच टावर बनाया है मतलब फाइट लेने के लिए। तो यहाँ पर सिर्फ हाफ वॉल लगा के खाली सीलिंग लगाया हुआ है, जिससे रेडिंग में दिक्कत हो, मतलब कोई जल्दी रेड नहीं कर पाएगा बेस अगर अपग्रेड हो जाता है तो। अभी वुड का तो कोई भी ईजिली रेड कर सकता है। तो यहाँ पर मैं जा रहा था गैस स्टेशन फ्यूल लाने, जिससे मैं यहाँ पर फर्नेस प्लेस करूँगा। सो गाइस, मैंने पिछले वाले वीडियो में जो लास्ट वीडियो डाला था लास्ट रूल्स का, उसमें बताया था कि जो स्टील आर्मर होते हैं वो ड्रॉप से मिल जाते हैं, तो ड्रॉप से नहीं मिलते हैं गाइस, तो उसके लिए सॉरी। और यहाँ पर मेरा गेम भी लैग हो रहा था, क्योंकि रिकॉर्डिंग लगा लेता हूँ तो उसके बाद पता नहीं क्यों मेरा गेम लैग करने लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक बंदा था, तो मैंने इसे किल नहीं किया, ये भी कुछ नहीं कर रहा था, फिर मैं इसे बेस पे लेके गया, मतलब मैं बेस पे नहीं लेके जाना चाहता था, तो मुझे जाना था सिंक करके बेस में, कुछ मुझे याद नहीं आ रहा मैं किस लिए जा रहा था। तो फिर मैं जब बेस पे गया यहाँ पर, तो मैं बेस पे जाने के बाद मैंने सोचा कि डोर खुल के फिर क्लोज़ कर दूँ, इसे नहीं अंदर आने दूँ, लेकिन ये अंदर आ गया, तो फिर मैं इसे अंदर लेके गया। बाद में इसे देखिएगा इसने क्या किया। तो यहाँ पर कुछ बंदे पूछ रहे थे तो मैं उनको रिप्लाई कर रहा था। तो यहाँ पर मैं जा रहा था यहाँ पर बेस में कुछ, तो मैंने यहाँ पर डोर क्लोज़ करना चाहा, लेकिन ये तब तक अंदर आ गया, और देख सकते हैं अंदर जाने भी लगा ये यहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हैं मुझे मारने भी लगा, और यहाँ पे डोर भी क्लोज हो जाती है, जिससे मुझे दिक्कत है। और यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास बुलेट्स थी, कुछ 5 बुलेट्स थी मेरे रिवॉल्वर में, तो यहाँ पर मैंने एक भी बुलेट उससे नहीं मार पाया, क्योंकि आप लोग को पता होगा जब बुलेट मतलब रिवॉल्वर क्राफ्ट करो तो उसमें 5 बुलेट्स रहती हैं। तो मैंने फायर करने की कोशिश की और एक भी बुलेट्स उसको नहीं लगी, और यहाँ मेरी बुलेट्स भी ख़त्म हो गई पूरी। फिर मैंने उसे बेसबॉल बैट से हिट करने का सोचा, तो यहाँ मैंने एक की दो हिट्स दिए, बाद में उसने मुझे यहाँ पर किल कर दिया, क्योंकि मेरा हेल्थ ऑलरेडी काफ़ी लो हो गया था, और यहाँ पर मैं किल हो जाता हूँ। तो फिर मैं किल होने के बाद स्लीपिंग पे आके फिर मैं दोबारा इसे किल कर देता हूँ, और साथ में मैं भी किल हो जाता हूँ। तो इससे आप लोग को लगता होगा मैं कितना नूब हूँ, तो हाँ नूब हूँ, कमेंट कर सकते हैं आप लोग। और मैंने कम्युनिटी टैब में पोस्ट भी मारा था कि मैं रैंक खेलूं या सोशल, तो ज़्यादा लोग का आया था रैंक, लेकिन मैं रैंक पे मैंने सोचा, एक बंदे का कमेंट दिखा, मैंने प्रोटेक्टेड मोड पे खेलो, तो क्योंकि इसमें सिर्फ 3 आवर का रेडिंग होता है, तो फिर मैंने सोचा प्रोटेक्टेड मोड पे खेलते हैं, इसलिए मैंने प्रोटेक्टेड मोड स्टार्ट किया था मैं रैंक, क्योंकि रैंक की सीरीज़ कितनी वीडियो डाल चुका हूँ। तो यहाँ पर इस बंदे को नॉक करने के चक्कर में मैं भी नॉक हो जाता हूँ, इसका नाम था TH करके, जो भी हो इसका नाम।
तो यहाँ मेरे स्लीपिंग बैग में भी टाइम आ गया था, तो मैं थोड़ा वेट कर रहा था, तो यहाँ पर मैं फाइनली आ गया बेस पर। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोग अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि रमन जो था वो यहाँ पर जा रहा था ड्रॉप पर, तो मैं भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। तो मैंने पूछा कि और कोई चलेगा, तो यहाँ पर नेक्सस ने भी कहा चलने के लिए। फिर मैंने पूछा रेडिएशन मास्क है क्या, तो मेरे पास नहीं था ना, नेक्सस के पास था, तो हम लोग नहीं गए क्योंकि हमारे पास जाने का कोई फ़ायदा भी नहीं था, क्योंकि हमारे पास कोई भी अच्छे गन्स नहीं थी और रमन के पास भी नहीं थी, तो हमारे जाने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो यहाँ पर रमन जा रहा था, तो मैं खाली वेट कर रहा था। अगर वहाँ बंदे नहीं होंगे तो अच्छी बात, लेकिन बंदे होंगे ड्रॉप पर। तो यहाँ पर अभी देखिएगा आप लोग रमन का क्या होता है आगे, वो ड्रॉप लूट के लेके आ जाता है। फाइनली कोई बंदा ही नहीं रहता है ड्रॉप पर। तो यहाँ पर मैंने अभी पूछा था कि नेक्सस, तो नेक्सस के नाम मैं भी आऊँ, तो मैं फिर मैंने यहाँ से पूछने लगा। तो जैसे मैंने बताया कि मैं पूछा कि मास्क है क्या, रेडिएशन मास्क, तो यहाँ पर ना मेरे पास था ना नेक्सस के पास था, और ना ही रमन के पास का था कि नहीं ये नहीं पता मुझे। तो यहाँ पर हम लोग, फिर मैंने सोचा कि गैस स्टेशन ही जा रहा था, तो मैं यहाँ पर गैस स्टेशन जाने लगा क्योंकि मुझे फ्यूल कलेक्ट करना था यहाँ पर, तो इसलिए मैं गैस स्टेशन जा रहा था, मुझे फर्नेस प्लेस करने थे। तो मैं यहाँ पर आ गया, रेड ऑयल ड्रम काफ़ी नहीं थे, तब भी मुझे एक फर्नेस बनाने तक का फ्यूल मिल गया था, और क्रूड ऑयल भी मिल गया था जिसे मैं रिफाइन करना था, तो तब भी अच्छे फ्यूल मिलते हैं। तो यहाँ पर गैस स्टेशन आया था, तो यहाँ पर अच्छे चेस्ट मिल जाता है आपको, फूड चेस्ट हो गया, सप्लाई चेस्ट हो गया, टूल बॉक्स हो गया, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर मिल जाता है। और यहाँ पर ग्रीन चिप भी मिल जाएगी आपको, तो आसानी हो जाएगी, क्योंकि अगर ग्रीन चिप मिल जाती है तो आप ब्लू डोर खोलते हैं, तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि ग्रीन डोर खोलते हैं तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ग्रीन डोर में आपको ब्लू चिप मिल जाते हैं, और ब्लू डोर में पर्पल चिप। कभी कदार होता है, नहीं मिलता, लेकिन मिल जाता है। और यहाँ पर मुझे फ्लोर भी मिला था एक, जिससे हम केक बना के जो नया ऑप्शन आया रिडीम करने का, वो तो वो रिडीम कर सकते हैं। वैसे मैंने सब चीज़ रिडीम कर लिया, बस मैंने कैंडल से वो जो कैंडल वाला जो है वो नहीं रिडीम किया, और बाकी मैंने हैट और जो केक से रिडीम होता है वो मैंने रिडीम कर लिया था। तो फिर मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल ड्रम भी यहाँ पर तोड़ने लगा, और यहाँ पर देख सकते हैं, तो फ्लोर था उस पर दिखा देता हूँ मैं आपको कि मेरा जो मुझे क्या रिडीम करना है यहाँ पर। तो देख सकते हैं मैंने दोनों रिडीम कर लिया, टिकट वाला और ये हैट फायर क्रैकर और हैट रिडीम कर लिया, बस मुझे एक कैंडल वाला रिडीम करना है, क्योंकि कैंडल मुझे नहीं मिली थी, वो मैंने एक सोजा सर्वर में जाके वहाँ से रिडीम कर लिया था। तो फिर मैं यहाँ पर वापस आ जाता हूँ, ज़्यादा स्पेयर नहीं कलेक्ट किया मैंने, करीब 40 स्पेयर्स मैंने कलेक्ट किया। फिर मैं बेस पे जा रहा था अपने, क्योंकि मुझे फर्नेस प्लेस करना था और कोड लॉक्स भी इंस्टॉल करने थे पूरे बेस में, और रमन भी किल हो गया था, वो ड्रॉप पे जा रहा था, तो उसे एक बंदे ने SMG से किल कर दिया था, और मेरा लेवल 2 हो गया था, बस मुझे एक लेवल चाहिए था SMG के लिए। तो यहाँ मैंने जो वर्क बेंच था उसको दूसरी जगह लगा दिया, और यहाँ पर मैंने फर्नेस भी प्लेस कर दिया, और मैं यहाँ पर काफ़ी सारे आयरन ओर्स, सल्फर और स्टील माइन काफ़ी सारी पड़ी थी, बस मुझे फर्नेस में लगाना था, तो यहाँ पर मैं इसे फर्नेस में लगा दिया।
सो गैस, अगर आप लोग को बेस रेडिंग टाइम पता है प्रोटेक्टेड मोड में इंडियन टाइम के हिसाब से, मतलब इंडिया के टाइम के हिसाब से कितने बजे से कितने बजे तक हम लोग बेस रेड कर सकते हैं प्रोटेक्टेड मोड में, तो कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग को अगर पता है तो। सो गैस, मैं यहाँ पर ऑफलाइन होने जा रहा था, मैंने गेम बंद कर दिया। फिर इसके बाद मैं थोड़ा देर बाद ऑनलाइन आया था, तो मैंने बेस अपना अपग्रेड किया था स्टोन का, जो कुछ कुछ नहीं मतलब काफ़ी अपग्रेड कर दिया था मैंने। जितने भी डोर्स थे पूरे मैंने स्टोन कर दिए थे, और कुछ वॉल्स भी कर दिए थे जो बाहर के साइड के थे पूरे स्टोन के कर दिए थे। लेकिन मैं बाद में आया जब ऑनलाइन हुआ मतलब दूसरे दिन, तो फिर सुबह को मैं आया तो देख सकते पूरा मेरा बेस रेड हो चुका था। इनमें को कैबिनेट मिल गया, बस उसने दो डबल डोर्स और सीलिंग तोड़े, यानी सीलिंग तोड़े मतलब ये वही सीलिंग थे मतलब बंकर रूम के सीलिंग इसने तोड़े, और उसको कैबिनेट मिल गया यहाँ पर। तो फिर मैं यहाँ पर अपने बेस लोकेशन पे जा रहा था चेक करने की बेस बचा है कि नहीं। सो यहाँ पर मैंने बेस भी अपना स्टोन का काफ़ी कर लिया था, और यहाँ पर देख सकते हैं मेरा बेस जो रेड किया उनका टाइम देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी अच्छा गेम टाइम है इन लोग का। एक बंदे का तो 1000 है और इसका 335 है, और ये वही बंदा है देख सकते हैं THF करके जो है, ये वही बंदा जिसे मैंने किल किया था जो मेरे बेस में आया था। तो काफ़ी अच्छे इनका जो एक्सपीरियंस था इन बंदों का काफ़ी अच्छा था। तो अब मैं दूसरे सर्वर पे स्टार्ट करूँगा प्रोटेक्टेड मोड पे, अब इस पर नहीं स्टार्ट करूँगा। तो सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिए, कमेंट करिए, शेयर कर दिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।